हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग देखा था कि बेसिक्स जो कि मोशन चैप्टर स्टार्ट करने के ज़रूरी था, और अब हम लोग देख रहे हैं इस मोशन चैप्टर का बेसिक। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला सवाल है हमारा कि डिस्टेंस क्या होता है मोशन में। तो डिस्टेंस को कहते हैं, इट इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाई अ बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। किसी भी एक पोजीशन जहां से वो स्टार्ट कर रहा है, दूसरा पोजीशन जहां पे वो एंड कर रहा है, इसके बीच में जो भी वो लेंथ ट्रेवल करेगा वो कहलाता है उसका डिस्टेंस। सपोज करिए कि मैं अपने स्टेज पे चल रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक मैंने इनिशिएट किया था, उस पोजीशन से फाइनल कर रहा हूं मैं इस पोजीशन पे, इस बीच में मान लीजिए और मैंने 2 मीटर ट्रेवल किए हैं, तो जो लेंथ ट्रेवल हुआ यही ना डिस्टेंस कहलाया हमारा। तो इसी प्रकार से हम लेके चलते हैं, तो डिस्टेंस कहलाता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ट्रेवल्ड बाय योर बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। हम लोगों ने इसे पीछे वाले वीडियो में भी देखा था कि एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर। थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे, हम जानते हैं कि व्हाट इज स्पीड, स्पीड क्या होता है। तो इट इज द रेट और रैपिडिटी ऑफ हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये रेट या रैपिडिटी है कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है। एक किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में एक बॉडी 10 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है और एक बॉडी 20 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल कर रहा है, तो फिर उस दोनों में ज्यादा फास्ट कौन है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। इट मीन्स दैट यही स्पीड बता रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी डिस्टेंस के लिए कितना फास्ट कवर करेगा, उसको कितना तेजी से। या फिर इसकी डिफिनेशन और हो सकती है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। इस डिफिनेशन को समझने के थोड़ा सा हमको और बेहतर जानना होगा। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। दुनिया के किसी फिजिकल क्वांटिटी में, आप आगे के लिए भी ध्यान रखिएगा, या आपको 9th, 10th, 11th, 12th और आगे फ्यूचर में हर जगह काम आएगा, अगर किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में अगर रेट ऑफ लग रहा है, अगर रेट ऑफ लग रहा है तो उसका मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड होगी टाइम से। जैसे इसमें है, इट इज द रेट ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो ये रेट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस के साथ लग रहा है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। रेट ऑफ लग रहा है डिस्टेंस के साथ, तो डिस्टेंस को डिवाइड करेंगे हम लोग टाइम से, तो हम लोग को जो यूनिट, जो क्वांटिटी मिल रही है वो है स्पीड। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, इट मींस दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब आते हैं कि टाइम क्या होता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि समय, समय होता क्या चीज है। समय के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये अनंत है, ये हमेशा आगे बढ़ता रहता है। फ्यूचर में इसके बारे में और कुछ हम लोग जानेंगे, फिलहाल हम लोग ऐसा सोचे चलते हैं कि हम अपने घर से निकले 1 बजे और 3 बजे हम अपने रिलेटिव के यहां पहुंचे। पहला काम किए हम अपने घर से निकलना, जो कि 1 बजे था। लास्ट काम हुआ हमारा, जो कि हम अपने रिलेटिव के यहां पहुंचे, जो कि 3 बजे था। इस दोनों इवेंट के बीच में जो पीरियड हुआ है, जो इंटरवल हुआ है, यही कहलाता है टाइम। क्लियर है? किसी भी इनिशियल के बीच में और फाइनल के बीच में, दुनिया के किसी भी दो परस्पर घटनाओं के बीच में जो अंतराल होता है वो कहलाता है समय। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर किसी भी जगह से हम कोई एक काम किए और दूसरा काम खत्म किए, एक काम स्टार्ट किए और उस काम को खत्म किए, इन दोनों के बीच में जो इंटरवल हुआ है, जो भी इंटरवल लगा है हमारा, वो कहलाता है टाइम। तो इट इज द इंटरवल बिटवीन एनी 2 कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स। दुनिया के किसी भी कॉन्जिक्यूटिव, 2 कॉन्जिक्यूटिव इवेंट्स के बीच में जो इंटरवल होगा वो कहलाएगा टाइम। टाइम कैसा यूनिट होती है? सेकेंड। वैसे हम लोग कॉमनली उसको आवर में, मिनट में, हर जगह कैलकुलेट करके देखते हैं। और टाइम भी एक लीनियर चीज है, या फिर इट इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। अब आगे देखते हैं हम लोग कि मोशन क्या होता है। ठीक, ये तो बेसिक्स थे जो आपको जानने जरूरी थे, आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, थोड़ा सा डिफिनेशन बदल गया है अंतर पे। अब आता है कि मोशन क्या होता है। तो अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेज इट्स पोजिशन अलॉन्ग विथ अ रेफरेंस पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम
A body is said to be in motion if it changes its position along with a reference point with respect to time. एक बॉडी कहलाता है मोशन में तब जब वो अपने आसपास की चीजों के साथ या फिर किसी एक रेफरेंस पॉइंट के साथ अपना पोजीशन को चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, एक टाइम के साथ में। जैसे कि लेके चलते हैं हम लोग कि अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तो क्या मैं मोशन में हूं आपके लिए? बिल्कुल नहीं। अगर मैं यहां से लगातार चेंज कर रहा हूं तो मैं आपके लिए भी मोशन में आ रहा हूं, आपके लिए मतलब कि इन द सेंस ऑफ कैमरा, कैमरा के लिए भी मैं मोशन में हूं, तो कैमरा मेरे लिए हो जा रहा है रेफरेंस पॉइंट। और अगर मैं यहां पे रुका हुआ हूं तो कैमरा के रेफरेंस पॉइंट से मैं मोशन में नहीं हूं। आप एग्जांपल लेके चल सकते हैं कि आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, आप और आपका मित्र दोनों साथ में बैठे हुए हैं, आमने और आमने सामने बैठे हुए हैं, तो आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो आपके सामने बैठा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है क्योंकि आप उसके सामने बैठे हुए हैं। मगर यही कोई बाहर से आप दोनों को देखता है, उसके लिए आप दोनों का पोजीशन लगातार बदल रहा है, तो आप दोनों उसके लिए मोशन में हैं बट आप दोनों एक दूसरे के लिए मोशन में नहीं हैं। तो यही होता है कि मोशन में बॉडी तभी कहलाता है जब वो अपने आसपास की चीजों के साथ या फिर किसी एक रेफरेंस पॉइंट के साथ अपने पोजीशन को चेंज करे विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो कहलाएगा मोशन। तो सवाल यहां पे ये उठता है कि मोशन में हम लोग बार बार देख रहे हैं रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस पॉइंट होता क्या चाहिए? तो रेफरेंस पॉइंट के बारे में हम लोग जानते हैं इस प्रकार से कि रेफरेंस पॉइंट कोई भी प्लेस या थिंग है, कोई भी ऐसा प्लेस, कोई भी ऐसा चीज है जिससे कि किसी भी कैलकुलेशन को मेड बनाया जाता है या फिर कैलकुलेट किया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर आप जिस हिसाब से देख रहे थे कि एक व्यक्ति आप दोनों दोस्त को देख रहा था बाहर से, तो उसके रेस्पेक्ट में आप लोगों की पोजीशन चेंज होती चली जा रही है, उसके लिए आप दोनों मोशन में हैं। एक आप ट्रेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, एक पेड़ को देख रहे हैं, आपको लगता है यही बात कि पेड़ पे अगर कोई बैठा हुआ है, पेड़ के पास कोई खड़ा है अगर, तो उसके लिए आप दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, आप दोनों के लिए वो रेफरेंस पॉइंट है, वो उसके लिए भी आप देख रहे हैं, आप दोनों मोशन लगातार चलते आ रहे जा रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट वैसा प्लेस या थिंग होता है जिसे कि किसी कैलकुलेशन को मेड किया जाता है, चाहे उसके रेफर में उसको लेके कैलकुलेट किया जाए। मोशन हमेशा एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म करने का मतलब है हमारे रिलेशन में ही आते हैं कि जो व्यक्ति मेरे रिलेशन में एक है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि दूसरे के रिलेशन में भी सेम होगा। जो व्यक्ति मेरे लिए मौसा है मेरा, वो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए मौसा जी ही होंगे वो। तो उसी प्रकार से कि अब बॉडी एक मोशन एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब है कि एक बॉडी अगर मोशन में है एक के लिए, तो जरूरी नहीं है कि ये बॉडी दूसरे के लिए भी मोशन में होगा। आप एग्जांपल से क्लियर हो चुका था पिछले ही वाला। तो अब मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, इट मींस दैट इज अ बॉडी इन मोशन फॉर वन नीड नॉट टू बी मोशन फॉर अदर्स। क्लियर रहा हमारा? अब हम आगे बढ़ते हैं कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए जूनियर क्लास में आप लोग बहुत सारे पढ़े थे, आपने ट्रांसलेशनल मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा था, आपने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, फिर ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, पीरियोडिक मोशन, बहुत सारा पढ़ा था। मगर यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। हम लोग के पास टाइप्स ऑफ मोशन में दो होते हैं। पहला है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होता क्या चीज है? तो यूनिफॉर्म मोशन को कह सकते हैं हम लोग, अ बॉडी सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, टाइम का इंटरवल इक्वल होना चाहिए और डिस्टेंस भी इक्वल होना चाहिए, तो उस वक्त बॉडी कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन में। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग। अगर कोई बॉडी एक सेकेंड में 2 मीटर जा रहा है, दूसरा सेकेंड में 4 मीटर जा रहा है, तीसरा सेकेंड में 6 मीटर जा रहा है, चौथा सेकेंड में 8 मीटर जा रहा है, तो केस वन की बात करें तो हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, 2 मीटर पहला केस में बाई 1 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। केस टू में लेके चले फिर डिस्टेंस बाई टाइम, 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड। केस थ्री में डिस्टेंस बाई टाइम, 6/3, 2 मीटर पर सेकेंड। केस फोर में डिस्टेंस बाई टाइम, 8/4, 2 मीटर पर सेकेंड। हर केस में देख रहे हैं हम लोग कि डिस्टेंस भी इक्वली बढ़ रहा है, 2 मीटर फिर 2 मीटर फिर 2 मीटर, टाइम की इंटरवल भी सेम है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड।
तो हर एक केस में हम लोग देख रहे हैं कि स्पीड की वैल्यू भी सेम आ रही है। तो कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में होता है तो वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और उसकी स्पीड हर जगह पे कांस्टेंट होगी, स्पीड विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। दूसरा जो मोशन है हमारा वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऐसे है कि कोई बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन तब कहलाता है जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, बट देयर मस्ट बी द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। टाइम का अनइक्वल इंटरवल नहीं होगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी होगी, टाइम हमेशा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कहलाएगा। जैसे कि लेके चलते हैं, कोई बॉडी पहला सेकंड में 2 मीटर गया, दूसरा सेकंड में 4 मीटर गया, तीसरा सेकंड में 21 मीटर गया, और चौथे सेकंड में वो 24 मीटर चला गया है। तो केस वन की बात करें तो स्पीड जो होगा वो हमेशा होगा 2/1 2 मीटर पर सेकेंड। केस टू की बात करें 8/2 4 मीटर पर सेकेंड। केस थ्री की बात करें तो 21/3 7 मीटर पर सेकेंड। केस फोर की बात करें 24/4 6 मीटर पर सेकेंड। हर केस में देख रहे हैं हम लोग डिस्टेंस इक्वल नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हर एक बार अलग अलग जा रहा है, लगातार एक ही रेशियो में नहीं बढ़ रहा है आगे। टाइम इंटरवल सेम है, इस केस में भी टाइम इंटरवल सेम था, बट डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू थी। यहां पर डिस्टेंस की अलग अलग वैल्यू है, यहां पर डिस्टेंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, हर बार 2 मीटर का डिफरेंस आ रहा था, मगर यहां पर हर बार 2-2 मीटर का डिफरेंस नहीं आ रहा है, कभी 6 है, कभी अलग है, फिर उसके बाद 3 है, इस प्रकार से करते करते में हमारे पास अलग अलग आया है। इस केस में स्पीड हर जगह यूनिफॉर्म मोशन है, केस में हर जगह स्पीड सेम है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन की स्पीड में केस में स्पीड जो है पहला है 2 मीटर, फिर सेकंड केस में वो 4 मीटर हो जा रहा है, 2 मीटर चेंज हो रहा है, तीसरे केस में 7 मीटर हो जा रहा है, तो 3 मीटर बढ़ रहा है, और चौथे केस में 6 मीटर हो जा रहा है, जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्पीड घट जा रहा है। तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन केस में क्लियर हो गया, यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम हमेशा इक्वल इंटरवल पे रहेगा, स्पीड इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट एंड स्पीड इज ऑलवेज वेरिएबल। ओके, ये हमारा रहा टाइप्स ऑफ मोशन।